गाइस नोकिया 3310 और जियो फोन 2 का करेंगे इस वीडियो में कंपैरिजन और आपको बताएंगे कुछ पर्सनल ओपिनियन इन्हीं दोनों मोबाइल्स के बारे में कि कौन सा बेहतर है इन दोनों मोबाइल में प्राइस के अकॉर्डिंग। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोभित और आप देख रहे हैं शोभित टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं टैक्स रिलेटेड कंपैरिजन वीडियो लाता रहता हूँ। गाइज अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले की बात करते हैं तो आपको मिले 2.40 इंच की 240x320 रिजोल्यूशन के साथ जियो फोन 2 में, और नोकिया में भी मिलेगी 2.40 इंच की डिस्प्ले 240x320 रिजोल्यूशन के साथ। गाइज अकॉर्डिंग टू कीपैड मोबाइल दोनों ही मोबाइल की डिस्प्ले काफ़ी कमाल की हैं। और यहाँ पर अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो आपको जियो फोन में मिलेगा KIOS का ऑपरेटिंग सिस्टम और नोकिया 3310 में मिलेगा सीरीज 30 का। गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम अकॉर्डिंग माय ओपिनियंस तो जियो का काफ़ी बेहतर है नोकिया से, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया का कम हो जाता है जियो से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो भी जियो आगे है। और अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कैमरे की तो आपको रियर कैमरा मिलेगा 2 मेगापिक्सल का जियो फ़ोन में, और नोकिया में भी मिलेगा 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। दोस्तों रियर कैमरे में दोनों ही मोबाइल बराबर हैं। और अगर हम यहाँ पर फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो आपको मिलेगा 0.3 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जियो फोन में, और नोकिया में आपको फ्रंट कैमरा नहीं मिलेगा, इसमें दिया ही नहीं गया, कुछ भी नहीं दिया गया फ्रंट कैमरा। तो ये सबसे बड़ा लॉस है नोकिया का, तो इसमें भी नोकिया पीछे चला जाता है कैमरे के मामले में। और गाइस अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं तो आपको जियो फोन 2 में मिलेगा 4GB का इंटरनल स्टोरेज और नोकिया 3310 में मिलेगा 16MB का इंटरनल स्टोरेज, जो कि गाइस बहुत ही जल्दी भर जाता है। तो लगभग ना के बराबर है 16MB आज के ज़माने में मोबाइल की 2-3-4 पिक्स आप खींच पाएंगे और बाकी जो इंटरनल होता है काफ़ी भर जाता है उससे मोबाइल। गाइस स्टोरेज के मामले में भी पीछे चला जाता है जियो फोन से। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बैटरी की तो आपको मिलेगी 1200mAh की बैटरी नोकिया में और 2000mAh की बैटरी मिलेगी जियो फोन में। तो गाइस बैटरी के मामले में बहुत ही हद से ज़्यादा अच्छा है जियो फोन नोकिया से, तो इसके बैटरी के मामले में भी नोकिया पीछे चला जाता है। और यहाँ पर अगर हम रैम की बात करते हैं तो 512MB की रैम मिलेगी आपको जियो फ़ोन में, और आपको नोकिया में कोई भी रैम नहीं मिलेगी। तो गाइस ये भी बहुत बड़ा लॉस है नोकिया का, कुछ भी रैम नहीं दी है, तो इसमें भी जियो फ़ोन आगे निकल जाता है। और गाइस यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिम स्लॉट की तो डुअल सिम स्लॉट आपको दोनों ही मोबाइल में मिलेंगे, ब्लूटूथ भी आपको दोनों मोबाइल में मिलेगा। बट गाइस नोकिया में वाईफाई का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, जीपीएस का ऑप्शन नहीं मिलेगा, एनएफसी का ऑप्शन नहीं मिलेगा, नोकिया में एफएम का ऑप्शन मिल जाएगा। और आपको जियो में वाईफाई का भी ऑप्शन मिलेगा, जीपीएस का भी ऑप्शन मिलेगा, एनएफसी का भी ऑप्शन मिलेगा और एफएम का भी ऑप्शन मिलेगा। तो गाइस ये चारों चीज़ जियो में हैं, और जियो 4G सपोर्टेड है और नोकिया 4G सपोर्टेड नहीं है। और गाइस आप अपने मन से कुछ ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं जियो फ़ोन में और नोकिया में आप नहीं कर पाएंगे। तो गाइस अगर हम यहाँ पर प्राइस की बात करते हैं तो आपको नोकिया का मोबाइल मार्केट पे मिल जाएगा 2767 रुपये यानी 2767 रुपीस, और आपको जियो फ़ोन अवेलेबल हो जाएगा 15 अगस्त से 2999 रुपीज़ यानी 3000 रुपये का। गाइस प्राइस में थोड़ा सा अंतर है, जियो फ़ोन थोड़ा सा महंगा है 200 रुपये लगभग, लेकिन काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन है नोकिया से। तो गाइस अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन माने तो इन दोनों मोबाइल में जो ज़्यादा मुझे बेहतर लगा वो लगा जियो फ़ोन। अगर आप इन दोनों मोबाइल में से लें तो आप जियो फ़ोन काफ़ी बेहतर चॉइस रहेगा आपके लिए। आप भी कमेंट में बताइए आपको कौन सा मोबाइल अच्छा लगा। गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं टैक्स रिलेटेड और कंपैरिजन के वीडियो लाता रहता हूँ।